मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं असम के हूँ। मैं सपना अली काकुटी हूँ। मैं असम के हूँ रहने वाली और गुवाहाटी में रहती हूँ मैं। ये देखिए, गुवाहाटी असम एक बहुत सुंदर सा स्टेट है। भारत के पूर्व दिशा के एक बहुत ज़्यादा ही सुंदर स्टेट है, क्योंकि हम लोग असमीज़ लोग खुद से ही खुश रहते हैं। हम लोग का बहुत सारा ये है, टी गार्डन होते हैं, ये कोयला में हम लोग ये है, प्राकृतिक जो ये है, बहुत ज़्यादा हम लोग का स्टेट में बहुत ज़्यादा ये प्रकृति ने इतना अमीर चीज़ें दिया है कि हम लोग खुद से ही हम लोग बहुत मजबूत है। इसलिए हम दूसरों से तंग नहीं आते हैं, बाहर ज़्यादा ज़्यादा बाहर के लोगों से ये नहीं मतलब नहीं रखते हैं। इसलिए हम लोग को प्रसार भी नहीं करते, इसलिए कोई नहीं जानता है कि असम इतना सुंदर देश है, तो स्टेट है। तो इसलिए हम अभी आपको दिखाने जा रहे हो, ये है दिघोली पोखरी, गुवाहाटी में है। गुवाहाटी जो ये असम के जो राजधानी है, उसके वही है, उस राजधानी में ही ये है। पहले का ज़माने में ये प्रागज्योतिषपुर हुआ करते थे, और उसमें भगदत्त बोल के एक राजा रहते थे। भगदत्त जो ये नरकासुर का बेटा था, तो उसने ये तालाब खनाया था। और ये तालाब जो है ना, वो उसके उस पार में ब्रह्मपुत्र है, और उसी ब्रह्मपुत्र से एक केनल लाके ऐसे इस मेन में ये है तालाब है ये, और ये खंडाया था वो भगदत्त ने। और उस ब्रह्मपुत्र का पानी इधर तक आया था, और इधर से नाव से भी जा भी सकते थे, ये ब्रह्मपुत्र तक चला जा सकते थे इधर से। तो युद्ध में ये बहुत यूज़ करते थे हम लोग असामीज राजा। तो इसलिए जब बहुत साल बाद, ये तो रामायण महाभारत का दिन का बात जमाने का बात है, भगदत्ता का लड़की भानुमति को ही ये दुर्योधन राजा ने शादी किया था, और इसलिए संबंधी था। इसलिए वो महाभारत के युद्ध में ये भगदत्त ने दुर्योधन का साथ देना पड़ा, कौरव का साथ देना पड़ा था, और श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था। तो ये वो वही ने वो भगदत्त ने ही ये दिघली पुखुरी बनाया था। और ये दिघली पुखुरी, वो उसका दूसरी लड़की का नाम दिघली था, और वही उसी के नाम से ये पुखुरी, ये जो ये तालाब बनाया था उन्होंने। बहुत सुंदर है ये तालाब, इसका चारों ओर बहुत ये जानी मानी जगह ये स्टेट म्यूजियम है। इसके बगल में रविंद्र भवन है, और ये हैंडी कॉलेज है, कॉटन कॉलेज है, इसी के चारों ओर है, हाई कोर्ट है, ऐसे वैसे है। तो बहुत सुंदर है ये जो तालाब है, बहुत सुंदर है। अब हमें हरदम आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, लड़की लोग ने देख लिया मेरे हाथ में, मैंने ये फोटो वीडियो करके जा रही थी, तो उन लोगों ने बोला, दीदी दीदी हमें भी फेमस बना दो। तो मैंने बात किया उन लोगों से, तो मैं जब बच्चे लोग, मैंने बोला उन लोगों को कि सपनाली काकोटी देखना, SWAPNALI, सपनाली काकोटी, KAKOTY काकोटी देख लेना, जरूर देख लोगी आप लोगों को, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब बच्चे बच्चे लोग छोटे छोटे थे, तब मैं हरदम उन लोगों को लेके जाती थी, पर अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, पर फिर भी मुझे तो खुद को खुश रखना चाहिए, होता है ना। वो लोग खुद से बिजी होते हैं। हाँ, वो लोग भी मेरा साथ देते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नेगलेक्ट करते हैं, पर हरदम कौन किसका साथ देता है। पर खुद को खुश रखने के लिए तो मुझे खुद के लिए खुद ही सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आपका 50+ हो गया, तो समझिए कि आप बहुत लकी है। क्योंकि आजकल के इतना कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जमाने में, अगर आपको 50 साल मिल गया जिंदगी का, वही सोच लीजिए कि वही काफ़ी हो गया। कि ईश्वर आपको चाहते हैं, ईश्वर आपको प्यार करते हैं, इसलिए इतना जीवन दे दिया आपको, 50 साल दे दिया। फिर भी अगर आप जिंदा है, अच्छी तंदुरुस्त है, तो जानिए कि आपको भगवान कुछ आपसे चाहते हैं।
कुछ तो कुछ चाहते हैं कि आप या तो खुद को कुछ ये ऐसा बनाओ कि अगले जन्म में तुम आप और ऊपर ऊपर और थोड़ा ये जीवन बिता सको, अच्छे सेंट जैसे जीवन बिता सको, और ऐसा कुछ करो कि समाज के लिए कुछ अच्छा करो। तो मेरे हैसियत से मैं जो सकती हूँ वही करती हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं करती, किसी के सबका भुला चाहती हूँ, भगवान से कुछ और तो कर नहीं सकती लेकिन भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सब कोई खुश रहे, सब कोई खुश रहे। तो और मैं खुद को तो ज़्यादा खुद को खुश रखना चाहती हूँ। अगर हर कोई खुद को खुश रखेगा तो क्यों दुखी कहाँ से कौन दुखी होगा। और हमारा तो जीवन का उद्देश्य ही है खुश होना। कोई कोई सेंट होके खुश रहते हैं, कोई कोई मिनिस्टर होके खुश रहते हैं, कोई कोई डांसर होके खुश रहते हैं, कोई कोई एक्टर होके खुश रहते हैं, ऐसे ऐसा हर एक का कोई कोई साहित्यिक होके खुश रहते हैं। तो मैं जितना हो सके मैं खुद को थोड़ा ऊपर मेंटली फिजिकली अच्छा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुदम खुश रहना चाहती हूँ। और इसलिए कौन अब जब 50+ हो जाए तो कौन क्या कहते हैं आपके बारे में वो ज़्यादा मायने नहीं रखते। आप कितने खुश होते हो, आप दुनिया को क्या देते हो, वही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो लोगों का तो काम ही है कहना, कुछ कहेंगे ही, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो भगवान देख रहा है। तो मैं ये एकदम विश्वास करती हूँ। और इसलिए मैं बहुत से गुवाहाटी बहुत सुंदर जगह है, गुवाहाटी जो असम ही है, बहुत सुंदर जगह है असम। मैं आपको दिखाते रहूँगी कि क्या क्या है असम में। ये है गुवाहाटी का टिखली पुखड़ी, और टिखली पुखड़ी देखिए बहुत बड़ा सा है, रेक्टेंगल टाइप का ये है, तालाब है, इसमें एक तो रेस्टोरेंट भी है, बैठ के खा सकते हैं हम लोग। ये जब ये होता है ना सीज़न के टाइम में, फ्लावर के सीज़न के, तो वो रेस्टोरेंट है, और इधर से बोटिंग कर सकते हैं आप। हम बोटिंग भी किया है, मैंने दिखाऊंगी आपको, तो बहुत अच्छा लगता है, मैं हरदम आती हूँ। तो आप लोग भी आइए असम आइए, अभी तो ऑफ सीज़न है इसलिए ज़्यादा फूल नहीं है, लेकिन फूलों से बड़ा होता है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। आइए देखिए असम, बहुत अच्छा है, असम के लोग अच्छे हैं।